तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने फीमेल कनेक्टर लगाया है, तो देख सकते हो इसमें कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ता है दोस्तों में। तो ये फाइनली दोस्तों ऑन हो चुका है और ठंडा ठंडा हवा दे रहा है दोस्तों। और इसमें मैं दिखा दूँ तो हवा जो है दोस्तों आपको थोड़ा सा कम आएगी, जैसे कि एसी में थोड़ा सा कम ही हवा आती है लेकिन दोस्तों वो रूम को ठंडा करती है, उसी तरीके से दोस्तों इसमें ठंडा हवा निकलती है। और इसे बनाने में दोस्तों मुझे सिर्फ 15 रुपये लगा है। ये जो प्रोपेलर है दोस्तों 10 रुपये का तो नहीं पड़ा है लेकिन मान लेते हैं 10 रुपये। और ये जो है दोस्तों फेमेल कनेक्टर, ये दोस्तों 5 रुपया 15 रुपया पड़ा है मुझे दोस्तों। और 5 रुपये का फेविक्विक भी नहीं लगता है तो मान लेते हैं 5 रुपया, तो फिर भी दोस्तों हमारा 20 रुपया यहाँ पर होता है। और अगर आपके पास ये वाला डीसी मोटर नहीं है तो आपको 20 से 40 रुपये के अंदर बन जाएगा। जो छोटा वाला डीसी मोटर आता है, दिखा देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, इस तरीके का डीसी मोटर ऑफलाइन में मिल जाता है तो मुझे 10 रुपये में मिलता है और काफ़ी जगह 20 रुपये में मिल जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों 40 रुपये में ये बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए इसका मेकिंग देख लेते हैं। कूलर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके का डब्बा चाहिए, देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा बड़ा डब्बा है। तो डब्बा लेने के बाद दोस्तों इसका जो कैप है उसे हमें दोस्तों खोल लेना है। तो मैंने दोस्तों देख सकते हो खोल लिया है। और कैप को खोलने के बाद दोस्तों हमें चाहिए डीसी मोटर, देख सकते हो ये 6 वोल्ट का डीसी मोटर है। तो इस डीसी मोटर को लेने के बाद दोस्तों देख सकते हो डीसी मोटर के शाफ्ट के नीचे में एक रिंग बनी है, तो इसी रिंग के अनुसार दोस्तों हमें यहाँ पर मिड पॉइंट पे होल कर देना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों कैप पे कुछ इस तरीके से मोटर को रख लेना है और उसके बाद दोस्तों आउटलाइन में पूरा इस तरीके से अच्छे से ड्रॉ कर देना है दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए प्रोपेलर, तो मैं ये वाला प्रोपेलर इसमें यूज करने वाला हूँ दोस्तों। तो कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो इसमें एकदम फीट आती है और अच्छे से हवा भी देती है दोस्तों। तो इस प्रोपेलर को रख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कितना ज़्यादा होता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको देख लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों इतने में हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और कुछ इस तरीके से इसको घुमाते जाएंगे। देख सकते हो दोस्तों उसके ऊपर मैंने अच्छे से पेंसिल से यहाँ पर मार्क लगा लिया है, तो अब अच्छे से आपको दिख रही होगी। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद तो उसके बाद दोस्तों हमें स्केल लेना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइन लगाना है दोस्तों 4 ठो। तो ये एक हो गया दोस्तों, और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें लगा लेना है। और उसके बाद दोस्तों इस साइड भी हमें उसी तरीके से लगा लेना है। तो उसके बाद दोस्तों जो ये लाइन लगाया है मैंने, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला और ये इसे दोस्तों हमें कट करके निकाल लेना है इन 4 रोप को। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से इसे कट कर दिया है। तो अब थोड़ा सा फिनिशिंग भी इसे कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसे फिनिशिंग भी अच्छे तरीके से कर लिया है। तो उसके बाद दोस्तों हमें इस मोटर को लेना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमें चिपका लेना है। तो मैं जल्दी से चिपका लेता हूँ। तो मैं वायर को जल्दी से यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। वायर को यहाँ पर हमें दोस्तों चिपका लेना है फेविक्विक की मदद से। चेक करके तो मैं जल्दी से कनेक्ट कर लिया हूँ दोस्तों, देख सकते हो। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर चिपकाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों सैंड पेपर से थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देना है जिससे कि अच्छे से चिपके। और ये दोस्तों फीमेल कनेक्टर में मैं एक पीस लगाया हूँ PVC शीट का, जिससे कि अच्छे से मज़बूती से चिपके दोस्तों। यहाँ पर मैंने प्लस माइनस पहले ही चेक कर लिया है, तो मैं जल्दी से कर लूँगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट अब चिपका लूँगा बस। फाइनली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये सूख चुका है और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रेत डाल दिया है जिससे कि ये अच्छे से चिपक चुका है दोस्तों। इसमें मैंने स्विच का यूज नहीं किया है, आप चाहो तो स्विच भी लगा सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों इसका प्रोपेलर हमें लगा देना है। तो देख सकते हो दोस्तों प्रोपेलर हमने लगा दिया है। तो उसके बाद दोस्तों इसको हम रख लेते हैं, इसका जो कैप है
उसके बाद दोस्तों इसका डिब्बा जो है ये डब्बे में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर डिजाइन बनाए कुछ इस तरीके से। तो जो एक पीस गया है दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर, तो उसी को दोस्तों हमें यहाँ से कट कर लेना है, जो स्टिकर है वहाँ पर से कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से, और उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। हमारा दोस्तों कूलर यहाँ पर देख सकते हो रेडी हो चुका है, तो बस इसको अब टेस्ट करने का बारी है। तो चलिए इसे टेस्ट भी हम कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों हमें आइस क्यूब को डाल देना है, तो पहले दोस्तों मैं इसको खोल लेता हूँ, या फिर दोस्तों आप यहाँ से भी डाल सकते हो, जो इसका ये वाला हिस्सा है यहाँ से डाल सकते हो। मैं जल्दी जल्दी डाल देता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों इसे चलाते हैं, तो चलाने के लिए बस सिंपल आपको यहाँ जो हमने लगाया था फीमेल कनेक्टर उसको बस कनेक्ट कर देना है, और ये ऑन हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ठंडा हवा आ रही है, क्योंकि दोस्तों जो इसमें जो आइस क्यूब है उसमें दोस्तों इसका जो हवा है डायरेक्ट टकराती है, और उससे होके दोस्तों हमारे पास आती है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ठंडा हवा हमें आती है दोस्तों, एकदम चिल देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा। तो आप अगर यहाँ तक भरते हो या फिर यहाँ तक, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों चिल्ड हवा आएगा, एसी का काम करेगा दोस्तों कूलर से भी ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो इसका हवा आ रही है या फिर नहीं आ रही है वो भी दोस्तों मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पेपर को लगा लिया है, तो इसमें दोस्तों पावर देते हैं, तो देख सकते हो दोस्तों ये उड़ने लगी है अभी, कुछ इसी तरीके से ये वर्क करती है। ये दोस्तों जो हवा है उसे तो थोड़ा सा कम ही देगी, हवा आपको कम ही लगेगी, लेकिन जो हवा इससे निकलने वाली है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हवा निकलती है। जो हमारा नॉर्मल जो फैन होता है उसमें क्या होता है गर्म हवा आती है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों थोड़ा सा हवा कम हो जाएगी, लेकिन आपका जो हवा आएगी वो दोस्तों ठंडा हवा आएगी एकदम चिल चिल। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ दोस्तों, और अगर इसे मैं बंद कर दूँ तो ये उड़ना बंद हो जाएगी, तो देख सकते हो, और इसे लगाने से फिर से उड़ने लगी है। तो काफ़ी ज़्यादा ये दोस्तों ठंडा हवा आ रही है इससे, तो अगर इसमें पूरा इतना ज़्यादा आइस क्यूब अगर भरते हो तो और भी ज़्यादा ठंडा हवा आएगी, लेकिन मुझे दोस्तों इतने में ही मज़ा आ रहा है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।